तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर बेसिकली देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को, तो अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो इसमें कहता है एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलेशन, पहले वेलोसिटी और एक्सलेशन निकाल लेते हैं। तो ये पार्टिकुलर जो एरे ओरिजिन है, टी इज इक्वल टू जीरो, तो ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये आ जाएगा 4, और टी की वैल्यू जीरो माइनस टू और प्लस ए, और टी की वैल्यू जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये देख रहे हो, तो ये एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सी ऑप्शन सही ही नहीं, ओरिजिन पे नहीं था। अब वेलोसिटी निकालना है, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4t-2, और यहाँ से प्लस ए और t-2 का होल का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट dx ओवर dt कर दूँ, डेरिवेटिव कर दूँ, तो मुझे वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका जो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव आई होप कि सबको आता होगा, तो 4 और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1, और यहाँ से तुम देखोगे t की, यहाँ से एक बार ऐसे कर लो, तुम देखो थोड़ा सा तुम चेन रूल भी लगा सकते हो। 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4t-8 यहाँ से, प्लस यहाँ से ए टी का स्क्वायर, और प्लस 4a- यहाँ से 4at, ठीक है ना। एक्चुअली मैं बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकता था, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। तो अगर मैं इसका डी ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में लूँगा, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2at, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा 4a, कांस्टेंट है 0, आ जाएगा -4a। तो ये वाली जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी 2at, दैट इज़ द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी 4 है, जब समय 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो क्या 4 + t की वैल्यू 0 रखोगे, तो -4a, मतलब यहाँ तुम दोगे तो 4 - 4a, जो कि सही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 4 नहीं है, 4 - 4a है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ए ऑप्शन भी सही नहीं है। चलो बी चेक करते हैं, एक्सलेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी से एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर वेलोसिटी से एक्सलेशन निकालोगे, तो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो एक्सलेशन ए अगर डी वी ओवर डी टी तुम देखोगे, तो 4 का डेरीवेटिव डी ओवर डी टी, अब यहाँ से तुम डी ओवर डी टी अगर करोगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू डालो, तो 4 + 2at और -4a यहाँ से। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना बनेगा, 4 का 0 हो गया, और ये 2at का 2a हो गया, दैट इज एक्सलेशन इज इक्वल टू 2a आ जाएगा m/s². तो ये जो एक्सलेशन इज इक्वल टू 2a, मतलब बी ऑप्शन अपना सही है, बी ऑप्शन सही है, डी गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये फंक्शन।